press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. धक्का देश चलाना है ये अपने आप में एक देश के साथ में अवेयरनेस के साथ में जाता है. इसलिए हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह अगर होते थे कहते जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है इस विषय में देश चलाना देश धक्का ये मेरे फेवरेट विषय है. इसलिए भाई नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर की समस्त जनता इसके साथ है और केवल कश्मीर ही नहीं मुझे लगता है कि पूरे भारत की जनता इनके साथ में है. क्योंकि जब से कश्मीर में धारा 370 हमने हटाई है अब जनता मुझे अमित शाह कम और कश्मीरा शाह ज़्यादा बोल रही है. आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई फिल्म बहुत अच्छा लोगों हाँ मनी बैग गारंटी अपना सॉरी बिग बॉस बहुत फेमस हुई है और बहुत अच्छी चल रही है देश और दुनिया में. 9 तारीख को और भी इंटर में भी लग रही है सब तरफ लग रही है. और आप सबका धन्यवाद आप इतना प्यार करते हैं प्यार बनाए रखिए. मित्रता दिवस अभी ख़त्म हुआ है और मैंने कहा दुनिया का सबसे अच्छा चित्र मेरा प्यारा मित्र है. मित्रों आप हैं तो हम हैं और आप अगर नहीं हैं तो फिर क्या पानी कम है. कश्मीर जो मित्रों का आपने बोला कि चित्र जरूरी है भी कश्मीर हर घर में हो सकता है उसके लिए क्या कहेंगे. बिल्कुल लेकिन इस पे रामदास आठ लिख रहे हैं कश्मीर पे लोग शेर सुना रहे हैं सड़े गले. कश्मीर पे लोग शेर सुना रहे हैं सड़े गले. मेरे हिसाब से वो शायर है नल्ले नल्ले. कश्मीर पे सबसे अच्छे शेर सुना रहा है आपका फेवरेट शायर रामदास आठवले. थैंक यू बात है. शोमा जी दे धक्का के बारे में और वैद्य जी को क्या विश करना चाहेंगी. मैं उनको नमन करती हूँ वैद्य जी को कि ऐसी स्त्री शक्ति की ज़रूरत है हमारे देश में जो कि इतनी संघर्ष करके भी अपना पेपर चला रही है. और यह दे धक्का एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि बिना धक्का का कुछ होता नहीं है. ये धक्का की ज़रूरत है कि जैसे कोई जब कोई महिला भी है उन्हें भी एक धक्का की ज़रूरत क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है. जब धक्का से हम उनको समझा सकते हैं कि हम एक स्त्री शक्ति है हम माँ दुर्गा की ही प्रतिनिधि है इसलिए धक्का की बहुत ज़रूरत है. सारे औरतों को भी जगाने के लिए हमारे पुरुष को भी जगाने के लिए कि हमारे अंदर ही जो सब कुछ है हम किसी के मोहताज नहीं रहे खुद को बदल डाले धक्का दे अपने आप को तो ये धक्का सबको जगाने की काम करेगी. और वैद्य जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ इतना बड़ा काम करने के लिए एक इतना अच्छा पेपर चलाने के लिए. थैंक यू सो मच. आपने इनका जिंगल गाया है अगर आपको याद हो तो एक लाइन बता दें. नहीं आया मैं चलते फिरते उसको कोई बात नहीं. और आज के कॉन्क्लेव में जिस विषयों पे बात हुई संगीत बहुत बड़ा माध्यम है. संगीत हाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे सब बच्चे से लेके बूढ़े तक संगीत को लेके चलेंगे तो स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करेंगे. और सपना जी ने भी कहा ना कि हमें एक गुरु की ज़रूरत है. वाकई ये सच है कि हमारे ज़िंदगी में अगर सदगुरु राह देने वाला कोई हो ना तो जीवन बहुत सरल हो जाती है. बिल्कुल क्योंकि पहले ज़माने में आप देखिए जब बच्चा जन्म होता था ना तो 7 साल तक वो माँ बाप के पास रहता था फिर उसे गुरु घर पर भेजा जाता था क्योंकि गुरु ही शिक्षा देती है गुरु ही राह दिखाते हैं. गुरु की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में. तो उसी तरह हमारे भी जो स्कूल है ना वो उस तरह से जो हमारे टीचर का भी एक गुरु बन के शिक्षा देना पड़ेगा वो गुरु बनना पड़ेगा. गुरु का भी बहुत बड़ा रोल रहता है ज़िंदगी में. तो हमारे सब टीचर वो गुरु बने और विद्यार्थी को माँ पहले टीचर है उसके बाद वो विद्या लेने के लिए बाहर जाते हैं टीचर गुरु बन के आते हैं. तो वो गुरु शिष्य की परंपरा फिर से चले. हम अच्छा गुरु बने तो शिष्य को हम बहुत कुछ दे सकेंगे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. दे धक्का जिस इंटेंशन से वैदेही जी ने शुरू किया है आफ्टरनून के थ्रू वो बहुत ही बड़ा एक धक्का है जो ज़रूरी है आज की सोसाइटी में और आजकल जो भी हो रहा है आसपास उसके लिए सच में एक धक्का देने वाला
काम है जो हमें सबने मिलके उस सपोर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों की कुछ नया शुरू किया. थैंक यू सो मच. धक्का का आज वेब पोर्टल लॉन्च हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे धक्का दे सकती है? दे धक्का एक ऐसा प्रयास है कि जहां लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और जो लोग सरकार तक अपनी बात को नहीं पहुँच सकते या उनकी कोई ग्रीवेंसेस और शिकायतें हों तो हम वो सरकार तक पहुंचा के उन्हें हल ढूंढने का कोशिश करेंगे. और ये लोगों के अभिव्यक्ति के लिए एक संसाधन हमने बनाया है जहाँ पर लोग आराम से अपनी वीडियोज़ बना के अपनी शिकायतों को दर्ज करके हम तक पहुँचा सकते हैं. और एक प्रयास है जहाँ से एक लोगों की बातें और शिकायतें पावर कॉरिडोर तक पहुंचाने का. आपने अभी तक जैसे अंदर हमने सुना कि 113 से ज़्यादा जर्नलिस्ट लोगों को आगे बड़े चैनल में या बड़े पब्लिकेशन में काम करने के लिए आपने जो मेंटोर करके काम किया है, तो उसके बारे में कैसी खुशी महसूस कर रही है? 11 साल कंप्लीट भी कर लिया आपने आज. खुशी मुझे उनको मेंटोर करके होने से ज़्यादा है कि खुशी आज उन्होंने जो ऊँचाई है छुई है उसको देख के होती है, क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा तभी मैं आज यहाँ तक आई हूँ. तो मेरे टीचर ने बहुत से बच्चों को पढ़ाया होगा, तो वो खुशी वो तब जाहिर कर पाते होंगे जब हम कहीं मुकाम पे पहुँच के उनको बोलते हैं कि सर आज हम यहाँ पे हैं. तो बस वही खुशी मुझे होती है, और मैं चाहती हूँ कि और अच्छे जर्नलिस्ट यहाँ से बने और आगे ट्रेनिंग लेके अच्छे मीडिया हाउसेस में जाएं. और ये एक्टर को आप ट्रेन करें आपके सानिध्य में कैसा लग रहा है इसे? ये मेरे लिए एक्टर नहीं है, मेरे लिए वो एक पोटेंशियल है जिसमें मैं एक फ्यूचर देख सकती हूँ और जिसमें मैं एक 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 अस्तित्व मीडिया का देख सकती हूँ जो इस जनरेशन को लेके आगे के जनरेशन तक जाएगा. और शी इज लाइक माय बिग सिस्टर, लाइक जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट होता है, सो शी इज द ओनली पर्सन. लाइक दीदी ये ऐसे कैसे करूँ, शी इज द लाइक ओनली गाइडलाइन जो मुझे सेकंड टाइम में मिल जाती है. एंड लाइक आज भी यही हुआ, मुझे पता नहीं था मुझे आज अवार्ड का कुछ मिलने वाला है. मुझे ये पता था आज ऐसे से बोलना है क्योंकि कल मेरा SST एग्जाम है. एकदम से हमें मिला, सो शी इज द बेस्ट पर्सन. थैंक यू थैंक्स अ लॉट. थैंक यू गाइस.